जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ उड़ीसा से आई अपनी बच्ची के लिए एनडीए की तैयारी के लिए साई दीक्षिता के साथ हैं। आज हम साई दीक्षिता से जानेंगे कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी को क्यों चुना उन्हीं ने। उन्हीं ने कई जगह ऐसी इंक्वायरी की, कई जगह जानकारी लेने के बाद उन्हें कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी मतलब उड़ीसा से प्रयागराज तक के सफर को उन्हीं ने कैसे, इनके फादर इंडियन रेलवेज में है, इंडियन रेलवेज में होने के बावजूद भी माइनस में कुछ इनकी आईसाइट होने के बावजूद भी जब उड़ीसा से आने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं तैयारी नहीं करनी है, मे बी यू कैन बी मेडिकली अनफिट टू, लेकिन उसके साथ भी उन्होंने ये भरोसा रखा कि मैं अपने देश में इंडियन आर्मी में, इंडियन एयरफोर्स में, इंडियन नेवी में, कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में तैयारी करने के साथ साथ ही मैं जो भी मेरे अंदर प्रॉब्लम्स में मैं उसको सॉर्ट आउट करते हुए, मैं तैयारी करते हुए एज एन ऑफिसर की वर्दी पहन पाऊंगी। तो मैं साई दीक्षिता से जानूंगी कि उड़ीसा से यहाँ तक का सफर कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा था। अच्छा था आपका? तो फादर ने आपको मना किया था कि नहीं तैयारी नहीं करनी है आपको? जी बिल्कुल। अच्छा, तो कैडेट्स मम्मी सपोर्टिव थी। अच्छा, तो कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी को क्यों चुना आपने दीक्षिता? क्योंकि बहुत अच्छा फैसिलिटीज है इसलिए चुना। अच्छा, आपने फैसिलिटीज को कंपेयर किया सब जगह से और ये देखा कि कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए एज एन डिफेंस एस्पिरेंट्स, तो वो सारी सुविधाएं आपको मिल रही थी? जी सारी चीजें। आपको यहाँ पे एकेडमी के कैंपस में आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, एडमिशन प्रोसेस के टाइम से लेके सारी चीजों का बिहेवियर या फिर एकेडमिक्स का पूरा एनवायरमेंट कैसा लगा आपको? अच्छा लग रहा है। सारी चीजें देखी आप हमारे सुबेदार सर लोगों से, आप हमारी एकेडमिक से, फैकल्टी से, सीनियर हेड से आप मिले सबसे? अच्छा, सबने आपको कैसा गाइडलाइन दिया? अच्छे से बोल रहे थे। अच्छा, आपने अपना 10+2 मतलब 10th आपने CBSE से किया है एंड 12th अपना CHSE से किया है, उड़ीसा बोर्ड से किया है। ओके, तो उसके बाद आपने फौज में जाने का सपना कैसे बना लिया, मतलब आपने फौजी बनने का सपना कैसे बना लिया? पता नहीं, बस आ गया। आपको लगा तो करना है। अच्छा, आपको एनडीए के लिए क्या जानकारी थी, मतलब एनडीए आपने जैसे हमें बताया कि हम 10th के बाद जाना चाहते थे, उस टाइम तो मेरे ख्याल से वैकेंसीज नहीं आ रही थी जिस टाइम आप 10th में हो। जी जी। जब एनडीए की वैकेंसी हमारे देश में आई और जब हाई कोर्ट ने इसको जारी की तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये सारी जो चीजें चली आपको अच्छा लगा? एनडीए की जब आपकी फर्स्ट फॉर्म आया तो आपने सोचा कि मुझे एनडीए ज्वाइन कर लेना चाहिए जी। और इन्हीं सभी तैयारी के लिए कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी जी। तो हमारी साई दीक्षिता है वो उड़ीसा से आई है हमारे पास यहाँ पे कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में एनडीए की तैयारी करने के लिए। साई दीक्षिता ने 10+2 कॉमर्स से करने के बावजूद भी कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में पूरा भरोसा दिखाया कि उनकी पूरी एकेडमिक फैकल्टीज में यहाँ फैसिलिटीज जो दी जाएंगी उनके मैथमेटिक्स से लेकर सारे ही सब्जेक्ट्स का कोलैबोरेशन बनाते हुए कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी उनको 100% रिजल्ट देने का पूरा सहयोग देगी। आप हमारे साथ कई नए बच्चों के लिए, आप भी अगर चाहते हैं कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी का हिस्सा बनने के लिए तो हमारे नए बैचेस के लिए आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप एनरोलमेंट्स के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9415402422, या फिर अगर आप फिजिकली विजिट करना चाहते हैं हमारी अकेडमी में तो हमारी अकेडमी का एड्रेस आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, टैगोर टाउन पार्वती हॉस्पिटल के बगल में कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज में स्थित है। यहाँ पे आप फिजिकली विजिट करके इंक्वायरी ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं हमारी फैकल्टी से, फैसिलिटीज को देखने के बाद ही आप सब चीजों को डिसाइड करने के बाद ही आप हमारी तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप नए बैचेस हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, मंडे ऑनवर्ड से हम नए बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप उसके लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आप उसके लिए जल्दी जल्दी अपने फोन उठाइए और इंक्वायरी करिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।